हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आज आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ अपनी एक न्यू सीरीज में, दिल से दिल्ली। तो आज मैं खड़ी हूँ कोलकाता में, बट सीरीज तो दिल्ली की है। तो भाई, आज की सीरीज के लिए मैं आ गई हूँ सीआर पार्क, दिल्ली का कोलकाता। यहाँ पर हम खाएंगे कुछ स्पेशल कोलकाता की डेलिकेसीज जो कोलकाता में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। और यहाँ पे रहती है बंगाल की बहुत बड़ी कम्युनिटी। सीआर पार्क को बोला जाता है चितरंजन पार्क। दिल्ली का दिल चितरंजन पार्क, जहाँ हर गली है एक कहानी और हर कोना है भरे हुए रंगों का जहाँ। यहाँ आपको ना ही बस स्ट्रीट्स और बिल्डिंग्स नजर आएंगे, बल्कि ये है एक जिंदा दिल शहर जिसमें बंगाली कल्चर का तड़का, खाना और एक अलग ही कम्युनिटी स्पिरिट है। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी दिन की चाय के साथ, और यहीं पे सीआर पार्क में मुझे मिल गई एक अच्छी सी चाय की स्टॉल, और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, सो लेट्स ऑर्डर वन चाय। फाइनली मेरे हाथ में आ चुकी है चाय अदरक वाली, और इसे अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको करेंगे टेस्ट, करते हैं इंजॉय और शुरुआत करते हैं अपनी आगे की जर्नी। चाय की चुस्की लेने के बाद मैं बढ़ती हूँ आगे फ्रेश सी फूड की खुशबू की तरफ, जहाँ पर है वेंडर्स की हैगलिंग की आवाज़ और कस्टमर्स की एक्साइटमेंट का मिक्स। ये सब कुछ मिलेगा आपको इस मार्केट में। तो अगर है आपको सी फूड का शौक तो सीआर फिश मार्केट एक मस्ट विजिट है। कल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है स्वीट्स एंड मिठाई, और मैं आ गई हूँ सीआर पार्क मिठाई की शॉप के सामने। तो मेरे पीछे आपको दिख रही होंगी दो तीन मिठाई की शॉप बैक टू बैक, और मैंने ले ली है मिष्टी दोई। तो इसको भी हम करते हैं टेस्ट, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट। अभी मैं करने वाली हूँ टेस्ट। वाओ, टेस्ट एकदम ऑथेंटिक है। जितने भी अमूल और मदर डेयरी के मिलते हैं मिष्टी दोई, उससे ये बहुत ज़्यादा अलग है, बिकॉज दिस हैज दैट ओरिजिनल फ्लेवर जो कोलकाता का होता है। एंड भाई, इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है, और ये मुझे हैंड चर्न लग रहा है, जैसे कि बिल्कुल कोलकाता में बनता है। तो बिल्कुल मुझे ये फील आ गई कि मैं कोलकाता में। अभी मैंने ऑर्डर की है कोलकाता की वन ऑफ द मोस्ट फेमस डेजर्ट्स सॉन्देश, सो लेट्स डाइव इन। सो मेरे हाथ में है सॉन्देश। तो भाई, टू बी ऑनेस्ट, सॉन्देश मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, एंड आई एम रियली एक्साइटेड। भाई, क्या किक है इसके टेस्ट में, बहुत अमेजिंग है। तो जब भी सीआर पार्क आए, सॉन्देश खाए बिना ना जाएं। अब मैंने ले ली है तीसरी डेजर्टी मिठाई, खीर पूरी। ये भी काफ़ी फेमस है कोलकाता की, और ये बनती है छेना और चीनी से। तो काफ़ी चीनी खा रही हूँ मैं आज, लेकिन कोई गम नहीं है। वाह भाई वाह, ऐसी मिठाई तो मैंने दिल्ली में कहीं नहीं खाई। टू बी ऑनेस्ट, हल्दीराम बीकानेर हीरा, असली हीरा ये है दोस्तों। यहाँ पर आके आप कुछ मत खाओ, लेकिन मिठाई खाने यहाँ पे जरूर आओ। मेरा वजन बढ़ने वाला है, क्योंकि मेरे हाथ में है चौथी मिठाई ऑफ द डे, और ये है कमला भोग। तो इसे करते हैं टेस्ट। तो रसगुल्ला मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बट वाइट वाला मुझे दिखा नहीं शॉप पे, तो आई हैव बॉट दिस वन।
सच बताऊं तो यहाँ की हर स्वीट का जो हम दिल्ली में खाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है, और ये टेस्ट इतना रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छा है, मस्ट ट्राई। तो यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का भी था, तो हमें पहले लगा ये राजभोग है, बट राजभोग वो था, इसे कोलकाता में राजभोग ऑरेंज वाले को बोलते हैं और इसको बोलते हैं कमला भोग। तो अब आगे बढ़ते हैं कोलकाता के एक और बेहद मशहूर स्ट्रीट फूड की तरफ, काठी रोल। हर गली में, हर नुक्कड़ में आपको मिलेगा एक काठी रोल का ठेला, जहां रोल वाले भाई लोग बनाते हैं मैजिक। कोलकाता आए और काठी रोल ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने अपने लिए ऑर्डर कर लिया है चिकन रोल, और शॉप का नाम है कोलकाता हॉट काठी रोल। तो यहाँ पर काठी रोल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोलकाता में ही आ गई हूँ फॉर अ डे, एंड इतनी सारी वैरायटीज हैं, तो आई थिंक 100 से ज़्यादा वैरायटी का पक्का होगा। अब इस दिल्ली के मिनी कोलकाता के गलियों में आगे बढ़ते बढ़ते मुझे दिखता है एक ऐसी चीज जो कोलकाता में सिर्फ एक खाना नहीं, रिचुअल है। ये बस एक स्नैक नहीं, ये है एक ट्रेडिशन, एक बॉन्डिंग का जरिया, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कोलकाता की स्ट्रीट फूड की हार्ट बीट। दिल से दिल्ली की बात करें और पानी पूरी को मिस कर दें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट आज मैं पानी पूरी खाने के मूड में नहीं हूँ, मैं हूँ पुचका खाने के मूड में, क्योंकि मैं खड़ी हूँ दिल्ली के कोलकाता में। तो अभी तक मैंने खाई थी मुरादाबादी बिरयानी, लखनऊ की बिरयानी या फिर हैदराबादी बिरयानी, तो किसी में स्पाइस ज़्यादा थे, किसी में कम, किसी में अरोमा बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन अभी जब मैं सी आर पार्क में आई तो मुझे पता चला कोलकाता की भी एक स्पेशल बिरयानी होती है। तो मैं आ गई हूँ बावर्ची रेस्टोरेंट, जिससे आपको दिख रहा होगा, और मैंने ऑर्डर कर दी है चिकन बिरयानी अपने लिए। तो पता करती हूँ कैसा होता है कोलकाता की बिरयानी का टेस्ट। फाइनली मेरे सामने आ गई है कोलकाता की चिकन बिरयानी, लेट्स डाइव इन। भाई साहब जो ये दिया हुआ है ना साथ में, ये पूरा जो करी दी हुई है, इसके स्पाइसेस नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। और इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है मुरादाबाद वाली से, मुरादाबाद वाली से बहुत ही अलग है। तो इसका स्पाइस जो लेवल है वो थोड़ा थोड़ा हैदराबादी बिरयानी से मैच करता है, बट स्पाइसेस आर वेरी यूनिक, आई लव इट। अब मैं करती हूँ चिकन बिरयानी इंजॉय, और मिलती हूँ आपसे ये फिनिश करके। इस बिरयानी में मुझे दिखा है आलू, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तीन टाइप की बिरयानी खा चुकी हूँ, कभी नहीं दिखा आलू, बट इसमें आलू है एंड आई लव आलू। इसमें आलू भी है, एग भी है, और दो टंगड़ियाँ भी है, मतलब पूरा बैलेंस्ड मील है ये भाई साहब। तो भाई कोलकाता तो मैं कभी गई नहीं, बट दिल्ली के इस मिनी कोलकाता में आके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी नई नई चीज़ें खाने को ट्राई की, और जो मैं पहले खा चुकी थी उसके कोलकाता के वर्जन्स खाने में भी अपना अलग ही मज़ा आया। ट्रस्ट मी, कोलकाता के खाने का टेस्ट काफ़ी अलग है, और पूरे में जो ये अरोमा स्मेल जो फिश की आ रही है उससे सच में ट्रूली ऐसा लग रहा है कि मैं कोलकाता पहुँच चुकी हूँ। तो क्या बोलते हो, अगली ट्रिप कोलकाता की प्लान की जाए? कैसा लगा आपको मेरा पहला एपिसोड दिल से दिल्ली का? तो आप कॉमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि कोलकाता में भी इतनी हॉन्किंग होती है क्या? तो हॉन्किंग होती तो एक बार सोचना पड़ेगा वहाँ पे जाने के लिए, बट खाने की वैरायटीज इतनी ज़्यादा बढ़िया है, तो आप लोग क्या कहते हो,
की टिकट करानी चाहिए वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल जाऊँ या सीधा बांग्लादेश ही पहुँच जाऊँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, एक चीज और, दिल्ली के किस कोने से आप अगला एपिसोड चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं वहीं जाकर वहाँ की वीडियो जरूर बनाऊंगी। एंड आई होप आप सब लोग को दिल से दिल्ली की ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, दिल से दिल्ली तक की सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।